हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, इग्नू की तरफ से जो आपकी थर्ड टेंटेटिव डेटशीट थी वो जारी कर दी गई है दिसंबर 2024 एग्जाम्स के लिए, और आज की इस वीडियो में हम उसी डेटशीट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि ये डेटशीट आपको कहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए आपको इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आना होगा, और उसके बाद आपको इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको अलर्ट वाला सेक्शन मिलेगा, और जो अलर्ट वाला सेक्शन है इसी में आपको डेटशीट मिलेगी। तो उसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने जो आपकी डेटशीट है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपको ये डेटशीट यहाँ से डाउनलोड ना करनी हो तो इसे आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। बाकी आपकी थर्ड टेंटेटिव डेटशीट है, और टेंटेटिव डेटशीट का मतलब होता है कि ये संभावित डेटशीट है, फाइनल डेटशीट नहीं है आपकी। इसमें अभी बहुत से चेंजेस होंगे, इग्नू में हर बार ही ऐसा होता है, एक बार में फाइनल डेटशीट रिलीज नहीं करते ये। बाकी मैं आपको फटाफट से जो डेटशीट की इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को ये तो पता ही है कि ये दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए है। बाकी एग्जाम्स देने से पहले आपको एक एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है, और वो जो एग्जाम फॉर्म है वो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। बट अभी जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो जल्दी ही आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। पर उससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं मैं। जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 में एग्जाम्स देंगे ना, उनको एग्जाम से पहले अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो जिन्होंने भी अपने असाइनमेंट नहीं बनाए वो अपने टाइम से असाइनमेंट बना के सबमिट कर देना। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कि असाइनमेंट के आंसर्स नहीं मिल रहे, या फिर जो जॉब कर रहे हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो एक एक के आंसर सर्च करें और असाइनमेंट बनाए, भले ही वो बुक से हो या फिर ऑनलाइन। तो जिन भी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके पास समय नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, यहाँ से आप जो आपका असाइनमेंट है भले किसी भी कोर्स का हो उसके सोल्व PDF बहुत ही कम कीमत पे खरीद सकते हो। तो मर्जी आपकी है, अगर आपके पास समय है और किताब से आंसर सर्च करके लिख सकते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ से असाइनमेंट परचेज कर लेना और टाइम से उन्हें कम्प्लीट करके सबमिट कर देना। और यहाँ पर भी आप देख ही सकते हो, यहाँ पर भी इन्होंने साफ साफ बताया है कि असाइनमेंट सबमिट करने हैं आपको। और बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आपके जो एग्जाम्स की डेट हैं वो क्लैश कब मानी जाएंगी और कब नहीं। सबसे पहले तो जो ग्रुप 1 से लेकर 6 तक के सब्जेक्ट्स है ना, उन सभी की परीक्षा ना समान तारीख और समय पर ही संचालित की जाती है, और वो ग्रुप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर इनमें आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो आ रहा है, दो सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं यानी कि, तो उस केस में जो आपके एग्जाम्स की डेट है ना वो क्लैश नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है बैकलॉग कोर्सेज के बारे में, यानी कि मान लीजिए आपकी बैक आई थी और आपको उसका भी एग्जाम देना है, और अभी जो आपका ईयर चल रहा है भले वो सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, इकट्ठा एग्जाम देना है डिफरेंट ईयर का, तो उस केस में भी जो आपके एग्जाम्स की डेट है वो क्लैश नहीं मानी जाएगी, आपको एक अपना एग्जाम स्किप करना होगा। इसलिए एक बोलते हैं डेट शीट को देख के फॉर्म फिल करना है आपको, क्योंकि एक एग्जाम की फी 200 रुपए होती है। अगर डेट क्लैश वाली अगर आप फिल कर दोगे तो आपको जो आपके एग्जाम फी है वो वापस नहीं मिलेगी। सेम ऐसे ही डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में है, जो भी स्टूडेंट्स दो प्रोग्राम इकट्ठा कर रहे हैं ना, उन दोनों के पेपर्स की डेट क्लैश होती है तो वो भी क्लैश नहीं मानी जाएगी। सेम एज इट इज MP प्रोग्राम्स, मतलब जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के, उनकी डेट क्लैश होती है तो वो भी क्लैश नहीं मानी जाएगी। और बाकी देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में, तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स मेंशन है और उन्हीं के सामने उनके सब्जेक्ट्स मेंशन है, इन सभी के जो एग्जाम्स है ना वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। बाकी नीचे आते हैं जब इसे स्क्रॉल करके, तो जो सेकंड टेंटेटिव डेट थी ना उसके भी एग्जाम्स 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे थे, बट जो उसके एग्जाम्स की क्लोजिंग डेट थी वो थी 10 जनवरी, और इसे देखे तो ये 9 जनवरी 2025 को खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी आगे पीछे किए होंगे। एक डेट आगे पीछे होने का मतलब ये नहीं है कि जो लास्ट डेट के थे उठा के यहाँ पे रख दिए, बीच में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अगर मैं एक एक चेंजेस आपको बताऊंगा तो ना तो मैं उनको जल्दी ढूंढ पाऊंगा, और वैसे भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अपनी डेट शीट आप खुद से नोट डाउन कर लेना, और उसी के हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान भी तैयार कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, या फिर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।